अब यहां पर बात की जाएगी धारा घनत्व की, जो कि बहुत ही ज्यादा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये धारा घनत्व को छोड़ना नहीं है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे न्यूमेरिकल्स भी, जो कि बहुत शानदार होंगे, तो इसको छोड़ना नहीं है। तो चलते हैं और धारा घनत्व को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक ना। तो धारा घनत्व को मतलब कि समझने से पहले आगे मैं आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, ठीक ना, जो कि क्वेश्चन मजेदार है। ठीक, देखो यहाँ पर मान लो एक आपके पास चालक है, जो कि चालक इस तरीके का आपको दिख रहा है, ठीक ना, थोड़ा डिजाइन वाला चालक है, ठीक, ये वाला डिजाइन वाला चालक है। तो ये इस तरीके से चालक आपके पास है, ठीक, ये कंडक्टर है इस तरीके से, सपोज दैट, मानने के लिए मान लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर अगर इस वाले में देखो, यहाँ पर देखो कि अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, ठीक ना, कि यहाँ पर सपोज दैट मतलब कि ये जो चालक है, जो कि एरिया वाइज बटा हुआ है, इतना से इतना है, एक एरिया होगा, ये दो एरिया, ये तीन एरिया मान लो, ठीक ना, यहां से सपोज दैट कि यहां से जो I1, I2 और I3 जो करंट है फ्लो कर रहा है, ठीक ना, क्योंकि जो जो मतलब कि क्या बोल सकते हो, जो कि चार्ज का डायरेक्शन किधर है, इधर की, सपोज दैट, ठीक ना, सपोज दैट कि धर्म चार्ज जो है इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो करंट जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन फ्लो करेगा। इतना बात कंफर्म हो रहा है, बात समझ में आ रहा है, इतना समझ, ठीक ना, ये तो उसके अपोजिट ही मान सकते हैं यार, थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक ना, कि चार्ज मतलब चार्ज किसी एक इस डायरेक्शन में मान लीजिए फ्लो कर रहा है, तो ये जो करंट है हमारा इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो क्या यहाँ पर I1 I2 I3 बराबर होंगे, कि I1 का मान अधिक होगा I2 से और I3 से, कि क्या I1 का मान कम होगा I2 से I3 से, क्या इन तीनों में से कौन से कंडीशन होंगे? एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। बात को समझिएगा, सोचिए इस चीज को, सोच लिया पॉज कर लीजिए, नहीं सोचने मतलब कि अगर थोड़ा टाइम लेना चाहे तो टाइम ले लीजिए, लेकिन वीडियो को पॉज करके। चलिए मैं बताता हूँ, तो इसमें से जो पहला वाला कंडीशन है ये वाला राइट होगा आपका। आप सोच रहे हो कि अरे यहाँ से तो ये तो मतलब कि अलग अलग एरिया है, ये कुछ और एरिया है, यहाँ पर कुछ और एरिया है, यहाँ पर कुछ और एरिया है, तो यहाँ पर भैया मतलब कि करंट कैसे सारा का सारा बराबर हो जाएगा, यानी I1, I2 और I3 का वैल्यू कैसे बराबर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा इस तरीके से बराबर होगा, देखिए कभी भी ना करंट को आप कभी भी करंट को वाटर की तरह समझ, क्या पानी की तरह समझिए, बात समझ में आ रहा है, कभी भी करंट को आप वाटर की तरह यानी पानी की तरह समझ। यहाँ पर आप समझिए कि अगर यहाँ से ये जो पाइप की तरह हमें चालक दिखाया गया, अगर यहाँ से सपोज दैट यहाँ से मैं 10 लीटर पानी यहाँ पर इसके अंदर डालता हूँ, तो यही 10 लीटर पानी यहाँ से जाएगा, यही फिर 10 लीटर पानी यहाँ पर तो पहुंचेगा ना, ऐसा नहीं होगा कि पाइप खा जाएगा उस पानी को, ऐसा तो है, और वही 10 लीटर पानी यहाँ पर भी पहुंचेगा, तो करंट को यानी जो करंट है यानी जो विद्युत धारा है आपका, वो उसको जस्ट पानी की तरह समझिए, तो पानी की तरह यहाँ पर 10 लीटर जाएगा, यहाँ पर भी 10 लीटर, यहाँ पर भी, तो पानी की मात्रा तो चेंज नहीं हो रही, तो हम बोल रहे हैं कि पानी की तरह ही करंट को समझिए, तो करंट कैसे चेंज हो जाएगा, बात समझिएगा। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पर अभी हम आएंगे एकदम, ठीक ना, और साथ में एडवांस कॉन्सेप्ट पर भी, बात समझिएगा, इतना बात समझ में। तो यहाँ पर जो करंट है ना, करंट सेम रहेगा सब जगह पर, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर I1, I2, I3 मैं लिख भी रहा हूँ तो दोनों के दोनों सब बराबर होंगे। देखो करंट ऐसा है, मैंने यहाँ पर सेम रखा, देखो करंट ये सेम है, सब I1, I2, I3, बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पर करंट सेम रहेंगे भाई साहब, क्योंकि उसी 10 लीटर पानी यहां से भी गुजर रहे हैं, यहां से भी गुजर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए यहां पर, अब समझिएगा, जहां पर पानी का एग्जांपल ले रहे थे हम, ठीक ना, पानी का 10 लीटर पानी, अच्छा ये 10 लीटर पानी 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 ही हमारा करंट है। अब यहां पर जब करंट की बात आती है, तो करंट को उत्पन्न करने के लिए हमें आवेश देना पड़ेगा, बात समझिएगा, आवेश। सपोज दैट कि अब यहां पर कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ठीक ना, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, करंट ही पानी है, समझ गया ना, समझने के लिए यार, ठीक। अब यहां पर देखिए, सपोज कीजिए कि यहां पर हमने क्या किया ना, आवेश दे रखा, समझिए, अब यहां पर समझिए, सारा चीज भूल जाइए, समझिए, यहां पर आप समझिए, वो चीज भूल जाइए, ठीक ना, वो चीज भूल जाइए, जब याद करने के लिए बोलेंगे तब याद खुद आ जाएगा, ठीक। यहां पर सपोज कीजिए कि यहां पर बिना आवेश के करंट तो आएगा नहीं, आवेश चाहिए तभी करंट भी होगा, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर ये जो चालक हमने मान रखा है, इसको हम क्या करेंगे, आवेश देंगे, क्या करेंगे, आवेश देंगे। सपोज दैट यहां पर मान लीजिए हमने 50 आवेश दिए, यानी 50 इलेक्ट्रॉन, यही 50 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तभी तो करंट आएगा ना, तो यही 50 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, यानी एरिया 2 में भी यही 50 इलेक्ट्रॉन है, यही 50 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है 50, क्योंकि इसका चूंकि एरिया बहुत कम है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है पास पास है, और यही 50 इलेक्ट्रॉन यहां पर जब आ गए तो थोड़े दूर दूर हो गए, क्योंकि यहां पर एरिया ज्यादा है भाई, जाहिर सी बात है 50 इलेक्ट्रॉन है यहां पर,
और यहां पर यही 50 इलेक्ट्रॉन और भी थोड़े दूर दूर हो गए, क्योंकि यहां पर एरिया और ज्यादा है, यही 50 इलेक्ट्रॉन एक दो तीन काउंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब लगभग मैं 50 बोल रहे हैं, काउंट नहीं किया लेकिन 50 हम बोल रहे हैं तो उसको समझिएगा, ये नहीं काउंट करने लगे। बात समझ में आ रहा है, यही 50 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 50 इलेक्ट्रॉन यहां पर, बस अंतर क्या है कि एरिया बढ़ते गया है, तो यहां पर क्या हो गया है कि जो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी है जो बढ़ गया है, तो इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है। अभी हमने बोला कि भैया हमारे हमारे पास अगर 10 लीटर पानी होगा तो 10 लीटर पानी समान होगा, यानी धारा का मान समान होगा। बात समझ में, क्योंकि वही 10 लीटर पानी अलग अलग जाएगा। लेकिन 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 अगर अब हम पूछें आपसे, अगर अब हम पूछें, ध्यान सुनिएगा, अगर अब हम पूछें कि यहां पर इतना इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा उत्पन्न होगा क्या बराबर होगा इतने इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा उत्पन्न होगा उसके और इसके भी, क्या बराबर हो सकेगा? आप बोलोगे नहीं, मैं भी बोल रहा हूं नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इतना पर अगर आप जो यूनिट एरिया जब भी लेते हो, यूनिट एरिया का मतलब एक मीटर स्क्वायर एक सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यूनिट एरिया प्रति मीटर स्क्वायर, या प्रति मतलब के क्या बोलते हैं कि यूनिट एरिया स्क्वायर अगर लेते हो, कि मतलब छोटा सा क्षेत्रफल, यहां पर भी छोटा सा क्षेत्रफल, यहां पर भी छोटा सा क्षेत्रफल, तो यहां पर अगर एकांक क्षेत्रफल में देखोगे तो भैया आवेश यहां पर ज्यादा है, तो यहां पर जो धारा होगा उसका मान ज्यादा होगा। उस धारा को J1 से दिखाते हैं, इस जिसको धारा घनत्व बोला जाता है। यानी धारा घनत्व क्या बताता है कि एकांक क्षेत्रफल पर कितना ज्यादा धारा उत्पन्न होगा भैया, वही धारा घनत्व होता है। उसी तरीके से यहां पर जो धारा होगा वो कम होगा, यानी J2 कम होगा J3 से, क्योंकि यहां पर आवेश कम है ना। अगर आवेश अधिक होते तो जाहिर सी बात है वहां पर धारा अधिक होता। यहां पर देखिए आवेश तो एकदम नहीं है, अगर चार थोड़ा मोड़ा आप आसपास में आवेश होंगे उसके कारण मान लीजिए थोड़ा सा करंट उत्पन्न होगा, तो J3 कम होगा इन सब की तुलना में। बात समझ में आ रहा कि नहीं? यानी J2 का वैल्यू सबसे अधिक होगा। यानी अगर पूरे को पूरे वायर की बात की जाए, जो कि हमने वायर थोड़ा डिजाइनदार दिया है, यहां पर करंट का मान समान होगा अगर हम पूरे वायर को देखेंगे। लेकिन लेकिन अगर बात की जाए कि यहां पर कि अगर एकांक क्षेत्रफल की बात की जाए, तो एकांक क्षेत्रफल पे जो धारा का मान होगा ना वो अलग अलग होगा, जिसे धारा घनत्व तो बोला जाता है। यानी जब भी एकांक क्षेत्रफल पे धारा की बात की जाएगी तो उसे धारा घनत्व तो बोलेंगे, और टोटल अगर टोटल का टोटल इस चालक में देखेंगे तो धारा का मान समान है। क्या बात समझ में आ गया? ये एकांक क्षेत्रफल, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल आवेशवा कम अधिक हो रहा है ना भैया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए यहां पर धारा का भी मान कम अधिक होगा। चलिए देखिए इसी चीज को यहां पर नीचे समझाया गया है। देखिए वही क्वेश्चन आपके दिमाग में, ये जो धारा का मान होगा ये बराबर होगा, लेकिन इसका जो मान होगा ये कम, ये क्या हो सकता है, कम अधिक हो सकता है, क्योंकि J1 का J1 पे यहां पर एरिया ज्यादा है, ये एरिया के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहां पर ज्यादा हमारा क्या होगा, धारा उत्पन्न होगा। हमने बता रखा है कि जो धारा है वो आवेश के फ्लो पे ही डिपेंड करता है। बात समझ में आ गया? अब यहां पर जो धारा घनत्व है उसको जे से दिखाते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है I/A, यानी एकांक क्षेत्रफल पर कितना ज्यादा धारा उत्पन्न होगा, और एकांक क्षेत्रफल पर कितना ज्यादा धारा उत्पन्न होगा वो डिपेंड करेगा भैया आवेश के ऊपर, आवेश के ऊपर। बात समझ में आ गया? तो J1 का मान I/A में A1 रख सकते हैं, कि यहां पर J1 अलग होगा, J2 अलग है, J3 अलग है, लेकिन पूरा का पूरा जो अगर चालक में देखें तो करंट सेम होगा। बात समझ में आ गया? लेकिन J1 J2 का मान अलग होगा, ये धारा घनत्व है, ये धारा घनत्व तभी आएगा जब क्षेत्रफल से आप भाग दोगे। क्या इतना बात समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर धारा घनत्व बराबर हमने बोला धारा बटा में जो क्षेत्रफल होगा, और ये एकांक को दिखाता है, ये जो लाइन बीच में खींचा है ना, ये वाला जो ये वाला लाइन, ये एकांक क्षेत्रफल को दिखाता है। बात समझ में? J बराबर में I/A। इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या बोलोगे बच्चा? डेफिनेशन इस तरीके से बोल सकते हो बच्चा कि चालक के किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल एक मीटर स्क्वायर एक सेंटीमीटर, एकांक का मतलब एक, एकांक का मतलब एक होता है बच्चा, तो एक सेंटीमीटर एक मीटर स्क्वायर से, ठीक है ना, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले, लंबवत जितने भी गुजरेंगे गुजरने वाले धारा के मान को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। तो मतलब एकांक क्षेत्रफल से जितने जो धारा गुजरेंगे, जितने विद्युत धारा गुजरेंगे भाई, उसका धारा घनत्व कहलाएगा। लेकिन एकांक क्षेत्रफल का मतलब समझिए का बात, इसे जैसे दिखाते हैं, और ये क्या होता है, ये एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा किधर होगी, जिधर विद्युत धारा की दिशा होती है, यानी विद्युत धारा की दिशा हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मान के चलते हैं, तो इसकी भी धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। बात समझ में आ रहा है? तो इसकी दिशा पता चल गई। अब यहां मात्रक देख लीजिए, मात्रक क्या बोलेंगे इसका, ये I
धारा है, धारा को एम्पियर में मापते हैं, क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया इतना गुरु, इतना बात समझ में आ गया? तो नीचे देख लीजिए, यहाँ पर अब देखिए एक रिलेशन हम फाइंड करेंगे जो कि बहुत ही आसान रिलेशन है, बहुत ही आसानी आसान मतलब बहुत ही इजी वे में आप समझ जाओगे इस रिलेशन को, भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, इतना गारंटी है। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आई बराबर में इतना आप जानते हो, अभी इतना हम लोगों ने पढ़ा, आई बराबर में इतना तो जानते हो ना पहले से, आई बराबर एन ई ए वी डी, अभी तो रिलेशन पढ़ा था ना, धारा घनत्व, ये अपवहन वेग और या अपवाह वेग या अनुगमन वेग के बीच में और धारा ये धारा के बीच में, धारा के बीच में रिलेशन आपने पढ़ा था अभी, ठीक ना। तो रिलेशन कितना हो जाता है, यही तो होता है ना। अरे नहीं याद आ रहा है तो ऊपर देख लीजिए, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए जे बराबर आई बाई ए, अभी पढ़ा, अब ये आई का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो आई का वैल्यू पुट कर देंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जे बराबर है एनी एडी, ये किसके बीच में रिलेशन आ गया, तो ये क्या है भैया अनुगमन वेग अपवाह वेग है, तो अपवाह वेग और किसके बीच में रिलेशन आ जाएगा, धारा घनत्व के बीच में रिलेशन आ जाएगा। क्या इतना बात आपको समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज को समझने में, जितना बात समझिएगा ठीक। अब यहाँ पर इसका इतना बात समझ में आ गया, तो यही धारा घनत्व और अनुगमन के बीच में संबंध है। अब यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और भी न्यूमेरिकल से सारा का सारा आपके लिए होमवर्क भी है बच्चा, क्यों आप घबरा रहे हो, आपके लिए होमवर्क भी है। देखो क्या लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल एक मीटर, ये देखो क्षेत्रफल दे दिया, किसी परिच्छेद से लंबवत इतना इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, अब इतना इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, यानी n की वैल्यू ये दे दी है, बात समझ में आ रहा है, यानी ये n की वैल्यू दे दी आराम से, तो n 6×10^16 ये n की वैल्यू दे दी है, और यहाँ पर क्षेत्रफल इतना दे रखा है, क्या इतना बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझिएगा, तो हमें ज्ञात कर क्या क्या करना है, वैद्युत धारा ज्ञात करना है और धारा घनत्व ज्ञात करना है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है, ये एन दिया है बच्चा, याद रखना ये एन दिया है, इसमें गड़बड़ाना नहीं यहाँ पर, ठीक ना, इसमें गड़बड़ाना नहीं, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर a बराबर में कितना हो जाएगा, a बराबर में इतना हो गया, अब देखिए ये मिलीमीटर स्क्वायर में दिया था, तो क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ से अगर एक m हटाओगे तो यहाँ पर देखो बच्चा अपने आप 10^6 आ जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा, बात समझ में आ रहा है ठीक, इतना बात समझिएगा ठीक ना। तो यहाँ पर अगर मिलीमीटर को केवल मीटर में बदलना हो तो 10^6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक। टी बराबर प्रति सेकंड बोल रहा था क्वेश्चन में, देखो बच्चा प्रति सेकंड यहाँ पर बोल रहा है ना कि प्रति सेकंड कितने गुजरने वाले हैं, प्रति का मतलब एक, प्रति का मतलब एक, इस भी ये सब क्वेश्चन में ध्यान देना, ये एक नहीं बोलेगा प्रति बोल देगा, तो प्रति में एक सेकंड ले लोगे, बात समझ में आ रहा, प्रति का मतलब एक, तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा अच्छा एक सेकंड एन बराबर ये दिया हुआ था। अब यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, धारा, आगे धारा का मान निकालना है, तो धारा का मान निकालने के लिए क्यू चाहिए ना बच्चा, तभी तो धारा का मान निकालो, तो क्यू बराबर एन ही से निकाल लेते हैं, एन का मान इतना दिया था, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, इतना होता है, जब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चा इतना आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन अपने से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक, अगर सॉल्यूशन करना होगा बस याद रखना कि तो पॉइंट हमने हटा हटा कर सॉल्व करने की कोशिश की है, तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा इसे सॉल्व करने में। अगला देखो, अब यहाँ पर Q का मान इतना आ गया, Q का मान इतना है हमारे पास भैया, Q का मान इतना ला दिए हैं हम, और T कितना प्रति सेकंड बोला था, एक सेकंड, तो जितना आवेश था उतना ही इसमें करंट का वैल्यू आ जाएगा, यानी धारा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9.6×10^3 यही वाला, बट समझ में आ रहा है क्योंकि एक सेकंड में ही पूछा गया था। अब बात आती है धारा घनत्व की, धारा घनत्व का आप लोग जानते हैं, धारा घनत्व का क्या होता है, धारा घनत्व का फॉर्मूला जे बराबर में आई बाई ए होता है, आई और बाई में क्षेत्रफल इतना दिया होता है बच्चा, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो क्षेत्रफल रख के और इसको कैलकुलेट कर दीजिए, अगर कैलकुलेशन अगर आपका ठीक है तो फटाक से कर लेंगे, नहीं ठीक है तो भैया परिश्रम कीजिए, परिश्रम करेंगे तो कुछ भी आएगा ठीक ना, बवाल कर देंगे आप लोग ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को समझने में किसी भी चीज को, तो परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है, बस समझ में। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब यहाँ पर बच्चा अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन है, आगे एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा, यहाँ पर ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक चालक में 6.4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है ठीक, तो एम्पियर ये धारा का मान दे दिया, यहाँ पर धारा का मान दे दिया, यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति मीटर, ये भी प्रति मीटर दे रहा है, तो प्रति मीटर अगर कहीं पर दे दे तो यहाँ पर उसका डायमेंशन यानी प्रति मीटर, प्रति मीटर का मतलब एक में दिया है, यानी इसका क्षेत्रफल भी एक ही आएगा, बात समझ में आ रहा है, प्रति का मतलब एक, तो डायमेंशन अगर एक में दे रहा है ना,
अरे भाई साहब, अगर एक स्क्वायर भाई वर्ग भाई अगर डायमेंशन अगर एक में दे लग तो एक एरिया निकल पा तब एक ही मीटर ना ही बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कोई सा भी चालक होगा उसका सेप नहीं, लेकिन डायमेंशन हमें पता है कि प्रति मीटर में दिया है तो उसका क्षेत्रफल प्रति मीटर में आएगा। बस साहब बस कन्फर्म एकदम कन्फर्म, यहाँ पर आई बराबर में इतना दिया है और एन बराबर में यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने दिए थे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है। अब ज्ञात क्या करना था कि अनुगमन वेग क्या करना है यानी वीडी का मान, वीडी का मान ज्ञात करना है। तो अब देखो वीडी का मान ज्ञात करने के लिए बहुत सारा रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आई जे बराबर में आई बाई ए होता है, एन ई वी डी होता है, ये धारा घनत्व तथा किसके बीच में संबंध है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध है। तो वी डी बराबर निकलेंगे तो जे बाई में एन ई आ जाएगा, एन ई इधर नीचे घुस जाएगा तो यहाँ पर बवाल हो जाएगा, ये वाला कर देंगे, बात समझ में आ रहा है। तो इतना कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए अब जे का मान कितना है आई बाई ए है, जे का मान आई बाई ए रख देंगे तो यहाँ पर वी डी बराबर में क्या आ जाएगा, वी डी बराबर में आई नीचे ए सॉरी ए नीचे आ जाएगा तो आई बाई में एनी ए हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये कुल मिलाकर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब फटाफट वैल्यू रखिए गुरु, फटाफट वैल्यू रखिए। तो आई की वैल्यू रख दिया, एन का वैल्यू रख दिया, ई का वैल्यू रख दिया और ए क्या है प्रति मीटर तो बोल रहा था तो प्रति मीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल, तो एक ही रखेंगे। इसको जब सॉल्व कर देंगे आप तो आसानी से आपका ये 5×10⁻⁶ आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर कैलकुलेशन नहीं आ रहा होगा तो और भी वीडियोस में हमने कैलकुलेशन कराए हैं। अगर आप शुरू से वीडियोस को देखेंगे ना तो आपको मजेदार तरीके से उत्तर समझ में आएंगे, क्योंकि वन और चैप्टर में टू में हमने पूरे के पूरे कैलकुलेशन के साथ कराए हैं। तो जो बच्चे देख रहे हैं वो रियली में फील कर रहे हैं कि नहीं वो रियली में अच्छे वीडियोज हैं, तो बात समझ में आ रहा है। जितना अगर आप करेंगे तो आपके भी अच्छे नंबर उठेंगे, आप भी अच्छे तरीके से सीख पाओगे, बात समझ में आ रहा है। इसलिए वीडियो को सीरीज में देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को सीरीज में देखिए, बहुत मजा आएगा। ठीक, एक एक कैलकुलेशन को भी हमने करवाया है यहाँ पर, तो हम आपको बता दे रहे, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन अगर हम करवाएंगे तो एक्स्ट्रा एक घंटा उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो ज्यादा वाजिब नहीं है। केवल कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट अगर समझ गया ना तो कोई भी क्वेश्चन आप लगा लोगे। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, ठीक, ट्राई करो, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में लिखो अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो अगले वीडियो में हम इसको जोर सॉल्व कर देंगे, बात समझ में आ रहा। तो इसको ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। होमवर्क करो, कमेंट बॉक्स में जोर लिखना, अपने आप को पहचानो, अपने आप को देखो कि हमें आ रहा है कि नहीं, हमें ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, ये देखो लगा करके देखिए और कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए आंसर लिखिए, ठीक ना। बाकी ये नोट्स है, ये फ्री है, वीडियो भी फ्री है, नोट्स भी फ्री है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक मिलेगा, वहां से आप इस नोट्स को शानदार से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक, बाय बाय टाटा, ठीक। ये नोट्स लेना है तो जाइए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। बाय बच्चा पार्टी।